मुझे बनानी पड़ी because इतने messages और इतने और रात की कैंडल देखने के बाद लोगों ने मुझे भेजने शुरू किए सो so, उनकी जिज्ञासा को उनकी um, जो हम बोलते हैं um, basically, curiosity को शांत करने के लिए ये वीडियो बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है गाईस. ऐसा कुछ नया नहीं है जो हमने एंटिसिपेट ना किया हो और ना हो रहा हो मार्केट में वही हो रहा है चार्ट्स भी कुछ ऐसा ही बोल रहे थे और पवल जी की जो स्पीच है जो मैंने सुनी है अगेन जो लिखा है वो एकदम ठीक लिखा है कि देर आर देर आर अराउंड थर्टी मिनट्स की चार्ट थी जिसके अंदर उनको बोलना था और उन्होंने वन थर्ड टाइम लेके उन्होंने बोला मेन जो इंफॉमेशन uh, उसने दी है जो दो लाइनें मैंने पढ़ी हैं जो हर जगह फ्लैश भी हो रही है उसने ये चीज़ बोला है पहली चीज़ उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है जो पहले नहीं कर रहे थे कि इन्फ्लेशन है दे वर देवर सेल दिंग डेट के मॉक मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो टेम्प्रेरी है और हम इसको कंट्रोल कर लेंगे हमारे बस में है ये है वो है और हमेशा जो भी स्पीच हो रही थी उसके अंदर बात हो रही थी ग्रोथ की कि हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं ये चेंजेस कर रहे हैं सो so, कोई एक्सेप्टेंस नहीं था कि इन्फ्लेशन जो है वो है और इन्फ्लेशन इज अ वेरी मेजर कंसर्न फॉर इकोनॉमी और जब तक uh, नहीं करोगे तब तक इकोनॉमी के भाई लग जाएंगे बड़े वाले तो पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट किया दैट्स वन सेकेंड चीज जो किया उन्होंने बोला कि भाई हमने जो गलती पहले की थी पहले भी उन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल ना करने की वजह से उनको हो चुकी है वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे और इन ऑर्डर टू डू दिस हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से पेन ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया पेन ज़रूर होगा पेन और इसका जो 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 सीधा सीधा मतलब था ये कि भाई कुछ टाइम के लिए इकोनॉमी गई बाढ़ में बाढ़ में मतलब नॉट एग्जैक्टली बाढ़ में बट इकोनॉमी की ग्रोथ गई साइड में ठीक है अभी हमारा जो इन्फ्लेशन uh, है जो 8.6 के आसपास चल रहा है ठीक है इसको हमें कंट्रोल करना है और पहले जो बोल रहे थे कि टू परसेंट पे लेके आना है अब इनका जो एम हो गया है वी गोना टारगेटेड है जब ये मेजर मेजर एक्शन एक्शन लेंगे मतलब ये सेवेंटी फाइव बेसिस पॉइंट से कुछ नहीं होगा और ज्यादा बढ़ने वाले हैं तो उस फियर की वजह से इंस्टीट्यूशन सेलर्स एवर एक्टिव और उसकी वजह से मार्केट को गिराया गया नाजडेक

जर्मन मार्केट डेक्स की बात करेंगे तो थ्री परसेंट फॉल हुआ है थ्री परसेंट ये देखो थ्री परसेंट फॉल हो चुका है यहाँ पर और काफी अच्छा बेसिकली मार्केट के अंदर ना धुरंधर लाल हुआ है और कैंडल भी मैं दिखाऊंगा आपको कैंडल देख के तो मजा आ गया सबसे कम जो गिरा है मुझे लग रहा है वो गिरा है इंडियन इंडियन मार्केट इज इट चार सौ के आसपास दिखा रहा है इंडियन मार्केट बंद बंद हुई है? पे है निफ्टी देखो हुआ और सत्रह चार सौ के आसपास दिखा रहा है, है अपडेटेड नहीं है अभी होगा तो पता लगेगा बट इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ एंड एक्जीएस पॉइंट डाउन और अगर ये ठीक है और कंटिन्यूशन होती है तो ये मान के चलो मार्केट दो सौ से 250 पॉइंट गैप डाउन ओपन होंगे मंडे के दिन निफ्टी एंड इफ दिस इज द केस बैंक निफ्टी आपका 500 से लेकर 700 पॉइंट ज्यादा लेके चलेंगे ये इसकी बड़ी रेंज होगी 500 से लेकर 700 पॉइंट मार्केट में ये आपको फॉल होता हुआ दिखाई देगा भाई देखो ये कैंडल बनी है क्या कैंडल क्या ही कैंडल बनी और आपको आने से में मैंने बताया था कि अगर जब जब वो 600 पॉइंट गिरी थी ठीक है रात को ही गिरता हुआ दिखाई जाएगा मार्केट अगर सिक्स हंड्रेड से रिवर्सल नहीं लेता है जो लेना चाहिए था यहाँ से तो भाई मार्केट ने इस यहां से रिवर्सल लेने की बजाय और नीचे गिरना शुरू किया तो यहां पर छे सौ था यहाँ पर हजार पॉइंट गिर गया हजार पॉइंट करके बंद हुआ है दिस इज शार्प नियरली शार्प सेलिंग मार्केट ने संभलने का मौका ही नहीं मिला है लोगों को और बड़ी अच्छी सेलिंग की है लोगों ने स्टॉक्स के अंदर आईटी स्टॉक के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा जो है वो फॉल देखने के लिए मिला है और यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड मार्केट कोशिश मार्केट वर्ल्ड मार्केट देखने की कोशिश करें यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो मेजर मार्केट खुली थी

सिर्फ इतना ही नहीं गाइज आपको जो फॉल देखने के अंदर मिला है दिस फॉल इज ऑल्सो इन क्रिप्टो करेंसीज एज वेल क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी बहुत अच्छा फॉल आया अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑफ़ uh, कोर्स। और ये सारी चीजें चार्ट के ऊपर ऑलरेडी विजिबल होती है तो ये चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी इट्स मेकिंग राइजिंग

एट परसेंट डाउन सोलाना थर्टीन परसेंट डाउन ठीक है वो फाइव पॉइंट फाइव थ्री परसेंट ऑलमोस्ट साढ़े पांच परसेंट डाउन तो सारी मार्केट डाउन है और हाहाकार मचा हुआ है सेल 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 चालू है ठीक है मैं एक ही चीज बोलूंगा यार नो नो डोंट पैनिक ऐसा कुछ नया नहीं है कि हमने एंटिसिपेट ना किया पोजिशन ऊपर की तरफ बना रखी है कि हमें कुछ नुकसान हो ऑफ कोर्स हमने नहीं बना रखी है हमारा जो लेवल था वो कभी हुआ ही नहीं है तो मैंने अपनी अपनी पोजीशंस भी क्रिएट नहीं की थी थर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्स करोड़ मरो का लेवल था जिसके ऊपर क्लोजिंग ना दे के उसने साफ साफ बता दिया था मैं लाइव था आपको साफ साफ एक नंबर भी मैंने आपको बताया था थर्टी नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव के ऊपर अगर क्लोजिंग देता तो हम वहां पर बाय भी करते थे उसने इसके नीचे क्लोजिंग दिया इनफैक्ट थर्टी नाइन थाउजेंड के नीचे क्लोजिंग दिया तो साफ साफ उसने बता दिया था कि भाई मार्केट में सेंटिमेंट जो है नेगेटिव है जो पुट लेके गया है बहुत अच्छी बात है भाई रिस्की बनती थी अगर रिस्क किसी ने लिया है तो उसको इश्क भी होगा मंडे के दिन प्रॉफिट भी होगा और मार्केट uh, नीचे की तरफ गिरना चाहिए और कहाँ तक गिरना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ एटलीस्ट वहाँ तक तो फॉल होगा वहाँ तक का इंतजार करते हैं अगर मार्केट उसके नीचे भी गुलती है तो अपनी एवेल्युएशन को एक बार दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस तरफ जा किस तरफ जा सकती है हमारा जो एनालिसिस है वो उसको छोड़ के और कितना हमें ट्यून फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है सो so, अगर यहाँ पर देखें हमारे एनालिसिस के हिसाब से अगर निफ्टी मान लेते हैं कि 200 पॉइंट के आसपास खुलता है नीचे की तरफ 200 पॉइंट तो मान के चलो ये यह यहाँ खुल रहा है इस इन इन लोस के आसपास कहीं पे खुल रहा है इस पर्टिकुलर एरिया पे खुलेगा यहाँ पर ठीक है यह यहाँ कहीं पर खुल रहा है कहीं पे घुलता है तो हमारे पास जो उसका स्कोप बचेगा नीचे की तरफ वो बचेगा ये वाला 175 पॉइंट्स का और स्कोप बचेगा आई थिंक इट्स अ गुड गुड थिंग थिंग ना आप पूछोगे ये good thing क्यों है सेवेंटी मरे 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 करके नीचे गिरने से बढ़िया एक ही कैंडल के अंदर काम कर जाए अपना पूरा यहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला तो जाए ठीक है और ये तेजी से होगा क्यों वो भी मैंने आपको बताया ये जो वेव बनती है ये वाली जो वेव बनती है दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव वेव ठीक है दिस इज इम्पल्सिव वेव दिस इज करेक्टिव वेव जो धीरे होती है और जो नीचे की तरफ आती है ये भी वेव होती है तो जो जो नीचे की तरफ आना है ये फास्ट होगा मेरी एनालिसिस वीडियो उठा लो जब एबीसी वेव मैंने आपको बताया था कि ये ये जो है फोर्थ वेव का करेक्शन एबीसी के रूप में हो रहा है और जो इम्पलसिव वेव करेक्टिव वेव और इम्पल्सिव वेव ये भी इसका आना भी फास्ट होगा तो यहाँ पर अगर ओपन हो रहा है मार्केट तो ये जो 175 पॉइंट्स बचेंगे ना जो नेक्स्ट वन सेवन फाइव पॉइंट बचेंगे जितने भी बचेंगे बचे बचे चाहे 175 बचे, वो भी फास्ट आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा रेंगता हुआ नहीं आने देगा ठीक है रेंगता हुआ नहीं आने देगा एक चीज आपको करनी है मार्केट जब पर खुलेगी तो एकदम से बेचने की मत करना कम से कम पंद्रह मिनट वेट करना प्राइस एक्शन का देख के वेट करना क्योंकि हो सकता है अबे एक खुद खुद देखो अगर आपने कोई पुट की पोजीशन बनाई है और मार्केट 200 से 250 पॉइंट नीचे खुल रही है क्या करोगे आप प्रॉफिट बुक करोगे ना तो मार्केट एक छोटा सा पुल बैक देने की कोशिश कर सकती है उसके बाद में नीचे की तरफ गिरेगी तो उसका आपको ध्यान रखना है लेकिन मुझे लगता है कि इसका लो नहीं टूटेगा ठीक है लो नहीं टूटेगा तो हमारे लिए जो ट्रिगर पॉइंट होगा ना वो ये लो ही होगा ये लो क्या है मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए सेवनटीन थाउजेंड थ्री फिफ्टी वन थ्री फिफ्टी का जो लेवल है मेजर सपोर्ट का लेवल भी है इस लेवल के नीचे मार्केट जैसे निकलेगा हम शॉर्ट कर देंगे मार्केट इसके ऊपर ही खुलने वाली है जितना भी हो यहाँ पर कितना है, 30, 17, है ना। तो हाँ तीन सौ पचास के आसपास अगर ये लेवल टूटता है तो भाई हो सकता है ना तो एक बार इसको रीटेस्ट करने जरूर आएगी ये याद रखना 17, का जो लेवल है इसको मार्केट रीटेस्ट करने आ सकती है रीटेस्ट करके फिर नीचे गिर जाएगी लेकिन गिर जाएगी ठीक है तो हमारा टारगेट जो है वो सेवनटीन के आसपास का है वो तो आ जाना चाहिए बाकी देखते हैं बैंक निफ्टी का अगर हम देखने की कोशिश करें जो हम काफ़ी टाइम से बात भी कर रहे हैं अगर मार्केट में अगर सेम फॉल होता है उसके हिसाब से तो मार्केट अगर 500 पॉइंट नीचे की तरफ खुलती है तो यहाँ से फाइव पॉइंट्स ये सपोर्ट लगा है ये सपोर्ट लेवल ठीक है और सपोर्ट के आसपास ही खुलेगा मार्केट थर्टी फोर एट थर्टी थर्टी एट फोर के आसपास यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखना एक बार हो सकता है इसको सपोर्ट इस के आसपास से खुलेगा तो एक बार पुल बैक मारने की कोशिश करेगा उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आएगा हमारे पास जो स्पेस बचेगा वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा मिलेगा आपको इन कंपेरिटन ऑफिंग सेवन हंड्रेड नाइन्टी सेवन पॉइंट का स्पेस और मिलेगा सेम uh, हो गया ना गाइस अगर आप देखोगे देखो टू देखो। निफ्टी ऊपर की तरफ से टू फिफ्टी पॉइंट गिरा ये पाँच सौ पॉइंट गिरा तो ये वाला गैप फिल हो गया बाद में वन सेवेंटी फाइव पॉइंट वो गिरेगा तो करीब करीब ये भी इतना गिर जाएगा और आपका पूरा का पूरा हिसाब किताब हो जाएगा तो बहुत मैथ्स एकदम कैलकुलेटिव है लेवल्स आपके यही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सेवेंटी थाउजेंड सिक्स नाइन्टी सेवन के आसपास तक के सात सौ तक के लेवल जो निकल के आ रहे हैं इसको देखना है और अगर ये लेवल टूटते हैं नीचे की तरफ जाता है तो फिर तो भाई मान के चलो कि ये वाला लेवल आ जाएगा ये लेवल आ जाएगा ये जो गैप है ना ये भरा जाएगा गैप्स है ना वो भरे जाएंगे अब आप बोलोगे सर कहाँ कहाँ गैप्स हैं तो भाई वो उसके लिए भी बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हो वो कैसे लगा सकते हो यहाँ पर चले जाओ और यहाँ पर टाइप करो गैप गैप्स ठीक है ये आपने इंडिकेटर लगा दिया अभी आपको गैप बता देगा कि कहाँ कहाँ गैप है ये गैप था जो ऊपर जाते वक्त भर दिया गया था ठीक है एक ये नीचे की तरफ गैप है ये भी ऑलरेडी भर चुका है तो आपका गैप कौन सा बचा है मार्केट जब नीचे की तरफ आएगा तो गैप्स कहाँ हैं ये तोड़ने के बाद ये गैप है ये भरा जाएगा ऑफकोर्स मैंने आपको ये भी बना के दिखाया मार्केट में एक गैप गैप ये है जो नहीं भरा है मार्केट जो गैप छोड़ के गई है ठीक है ये गैप तो भर दिए गए हैं और नीचे की तरफ एक ये छोटा गैप है एक ये गैप है और ये की ये छोटा गैप है तो अगर अगर अरे भगवान बचा यार ऐसा ना हो तो अच्छी बात है अगर ये गैप लास्ट गैप तक भरा जाएगा ना भाई तो मार्केट का जो ये गैप अगर भरेगा भाई साहब मार्केट का ये एम है अगर ये लास्ट कैप भी भरा जाएगा मार्केट का एम ये है और मार्केट आपको चौंतीस हजार पाँच सौ के लेवल दिखाएगी अरे भाई ये तो स्कैरी है ये हमने डिस्पेक्ट नहीं किया था भाई ठीक है हरी वेस हम प्लान को फॉलो करेंगे जैसे हो सकता है अब फिर ये एलिट भी गलत हो जाएगी ऐसा होन होना नहीं चाहिए और मार्केट को यहीं पे सपोर्ट लेना चाहिए हम चार्ट के ऊपर देखेंगे चार्ट के ऊपर जहाँ पर चीज़ें कन्फर्म होंगी उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है आ, स्विंग पोजिशन नहीं बनाएंगे यहाँ पर अगर हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है जो रिवर्सल की कैंडल है हम ऊपर की तरफ देख लेंगे बाकी इसको इग्नोर कर देंगे अगर ये नीचे आता भी है और ये भर के जाता है देखेंगे सर जब रिवर्सल मारेगा तो देखेंगे इंटरडेड ट्रेड करेंगे स्विंग ट्रेड नहीं बनाएंगे सिंपल अपडेटेड जुड़े रहिए Uh, जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व करेगी आपके साथ में शेयर करूंगा किस तरीके से क्या सेटअप जो है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं बट हाँ अगर ये गैप सारे भरे जाएंगे तो भाई ये एम जो है यहां से बता रहा है अगर ये सारे गैप भरने हैं तो मार्केट इन सब गैप्स को जो बचे हैं उसको अगर भरेगा तो थर्टी फोर थाउजेंड के लेवल को टच करने की बात कर रहा है विच इज समवेयर अराउंड करंट पोजिशन से फाइव थाउजेंड प्लस प्लस पॉइंट ठीक है चलो मार्केट ने ऑलरेडी डरा दिया आपको और मैं सुबह सुबह आपको और डराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बट डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जो चार्ट दिखा रहा है मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हमारा व्यू जो मर्जी हो जो चार्ट के ऊपर चीजें कंफर्म होंगी उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे उस पर सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे अभी फिलहाल जो सेटअप बना है उसके हिसाब से यही लेवल्स निकल के आते हैं और आपको पता है कि मार्केट बदलते हुए टाइम नहीं लगता मार्केट दिखाती बहुत है कि मैं इतना गिरूंगी या इतना ऊपर जाऊंगी लेकिन अक्सर धोखा दे जाती है और मार्केट वही कर रही है और हमें दिखा तो बहुत नीचे के लेवल रही है तो कि बैरिज बनाए और जब उठरेगी तो वो वहीं अपने लेवल से ही उठेगी जहाँ से उसको उठना है और मुझे लगता है कि वेव फोर तक मार्केट गिर सकती है और यहाँ से मार्केट उठ सकती है बाकी सेटअप पे देखेंगे किस तरीके से लेवल कंफर्मेशन होती है इसको छूने के बाद ये मार्केट जब सत्रह तीन सौ हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेड कौन सी हो जाएगी ये मार्केट तोड़ने के बाद नीचे आएगी यहां से होने के बाद जब ये वाला लेवल टूटेगा तो यहाँ पर हमारी लॉन्ग पोजिशन क्रिएट होंगे बिकॉज इट विल बी अ कंफर्मेशन फिर आपका ये भी टारगेट आएगा ऊपर का भी टारगेट आएगा वो जो ऊपर के टारगेट है वो सारे आने शुरू हो जाएंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए ठीक है लेकिन हाँ इसका यहाँ से पिन पॉइंट सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है ठीक है चलिए इन्जॉय कीजिए अपना वीकेंड डराने के लिए वीडियो नहीं बनाया बट सुबह सुबह बिकॉज इतने सारे मैसेजेस थे तो मुझे बनानी पड़ी वीडियो और जरूरी थी वीडियो आप सबके लिए तो आपने मांगी और मैंने बना दी इन्जॉय योर वीकेंड गाइस एंड हैव फन वो द वीकेंड डोंट ट्रेवल योर फैमिली मेम्बर्स इंजॉय फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में तब तक के लिए हंसते रहिए हंस रहिए मार्केट से पैसा कमाते रहिए सी यू इन द मार्केट वंडरफुल इवनिंग बाय बाय